हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का मेरा वीडियो है वो है आपको एक फेस पैक बताऊँगा जिससे आपका स्किन यंगर दिखेगा, पिंकल फ्री दिखेगा। और इस वट सावित्री पूजा में एक बार फेस पैक लगाओ जिससे आपका फेसियल से ज़्यादा ग्लो फेस पे देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसके लिए मैं सबसे पहले लूँगी एक बॉल में, एक प्लास्टिक किसी भी बर्तन में, आप दो चम्मच लोगे चावल जो इजीली सभी के घर में मिल जाती है। मैं वही सामान से बताऊंगी जो आप इजीली सभी के घर में होते हैं, एनी टाइम होते हैं। और दो चम्मच चावल और आधा चम्मच मेथी दाना दोनों को रख के एक पानी में भिंगो दूंगी, उसे एक घंटा दो घंटा से अच्छे से छोड़ दूंगी, अच्छे से छोड़ दूंगी, उसे भिंगो के ढक के रख दूंगी। दो घंटे के बाद उसे मैं मेथी दाने में जब आप देखिए दो घंटे के बाद मैंने इसे मिक्सी ग्राइंडर में अच्छी तरह से पीस लिया है। अब मैं इस पैक को अच्छी तरह से तैयार करने के लिए इसमें मिक्स करूँगी बेसन, एक चम्मच बेसन, देख सकते हो बेसन में जो आप होता है आपकी स्किन को टाइट करता है, और जो मेथी दाने तो आपके स्किन के विंकल्स को रिमूव करता है, आपका स्किन को टाइट करता है, आपकी स्किन पर हल्दी पाउडर, एक चुटकी हल्दी पाउडर और आधा नींबू का रस। नींबू का रस नींबू जो होता है वो एक नेचुरल ब्लीच का काम करता है, स्किन पे डार्क स्पॉट के दाग धब्बे छुड़ाता है, एक नेचुरल ब्लीच करता है ये। तो नींबू भी मैं आधा नींबू के जूस निकाल के उसमें डाल दूँगी। और गुलाब जल, गुलाब जल जो होता है आप स्किन को हाइड्रेट कर रखता है, स्किन पर एक ग्लो प्रोवाइड भी करता है ये। तो दो चम्मच मैं गुलाब जो डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लूँगी। इतना गाढ़ा पेस्ट रखना जिससे आप स्किन पे अप्लाई करने में प्रॉब्लम हो, क्योंकि इससे हल्का मसाज भी करना है हम लोग को, तो इतना ठीक रखना है। अगर कम पड़े तो आप चाहे आपको ज़्यादा गाढ़ा लगे तो और भी गुलाब जल डाल सकते हो आप, अगर आपके घर में गुलाब जल ना हो तो आप पानी भी इसमें डाल सकते हो, सादा पानी जो होता है वो भी डाल सकते हो। अच्छी तरह से मिक्स कर लोगे, आपका फेस पैक तैयार है। ये 2-in-1 होगा ये। अब मैं अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी। आप जब भी कोई पैक या फिर स्क्रब जो भी करते हो फेस पे तो अच्छी तरह से क्लीन फेस होना चाहिए। अब मैं इस पैक को अपने फेस पे, आप ब्रश के हेल्प से भी लगा सकते हो या फिर अपने हाथों के, मैं हाथ से ही लगा रही हूँ, अपने हाथों की फिंगर के हेल्प से लगा रही हूँ। तो फेस पे लगा के हल्के हल्के हाथों से इसे मसाज करना है, इसे हल्के हल्के हाथों से करना है, यानी कि बहुत तेज करना, हल्के हल्के हाथ से मसाज करना है। और इसी पैक को मेथी के दाने में एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है जो आपकी स्किन के विंकल्स को रिंकल फ्री बनाते हैं, आपकी स्किन को लाइट करता है, ये भी आपके स्किन पे जो भी दाग धब्बे होते हैं, स्पॉट्स के दाग होते हैं, उसे भी रिमूव कर स्किन को टाइट करता है, एक स्किन में एक अच्छा सा ग्लो प्रोवाइड करता है। तो मेथी के दाने जिस तरह से खाने में बहुत ज़्यादा फायदे, मेथी के पत्ते ही बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, जिस तरह खाने के फायदे होते हैं आपके स्किन या आपके बालों के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं मेथी। और इसमें मैंने नींबू का रस मिलाया है, तो नींबू का रस आपके स्किन को नेचुरल ब्लीच करता है, ये आपके स्किन को स्पॉट्स को लाइट करता है, आपके स्किन को फेयर करता है। और फिर मैंने इसमें बेसन भी मिक्स किया है, तो बेसन आपके स्किन को टाइट करता है, हल्दी जो होता है स्किन के स्पॉट्स को दूर करता है, आपके स्किन पे पिंपल्स होंगे उसके दाग धब्बे को रिमूव करता है। तो ये पैक काफ़ी फ़ायदेमंद आप लोग के लिए, आप लोग आजमा के दीजिए, आप एक बार यूज करके देखिए, काफ़ी बेनिफिट आपको देंगे। सप्ताह में दो बार इस पैक को यूज करो। इस पैक को लगाने से ऐसा नहीं कि आपको तुरंत, आप एक पैक को लगाओगे आप तो आप देखोगे एक बार में बहुत अच्छा सा ग्लो, एक ऐसा लगेगा फेसियल करवा के, ऐसा कोई पूछ देगा आपको कि आपने फेसियल करवाया, ऐसा ग्लो प्रोवाइड करता है। तो बहुत लोग के पास टाइम नहीं होते हैं, तो इस पैक को तैयार करके आप लगा सकते हो। इसे रख के आप इसे 20 मिनट, जब तक ये ड्राई ना हो, 20 मिनट तक फेस पे रखूँगी जब तक ये हल्का ड्राई रहना हो जाए, मसाज को इस तरह से छोड़ दूँगी। देखिए कितना अच्छा ग्लो प्रोवाइड करता है, आप देख सकते हो, खुद ही देखिए रिजल्ट, देख सकते हो रिजल्ट, खुद तुरंत रिजल्ट देता है ये, एक बार में रिजल्ट दे देता है ये। तब तो आप सप्ताह में इसे दो बार यूज कर सकते हो। ऐसे भी वट सावित्री का पूजा आने वाला है, तो आपको पार्लर जाने की कोई जरूरत नहीं है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।